बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं सबनेट जॉब्स। फ्रेंड्स, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में बड़ी शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें मुल्क भर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सबनेट जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर लास्ट में क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर रोज आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सकें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज किस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में शमूलियत की दावत, जिसमें फ्रेंड्स सिपाही जनरल ड्यूटी की फ्रेंड्स शामिल, जिसमें मिडिल पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें मुल्क भर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पे स्केल 5 है। इसमें फ्रेंड्स बशमूल राशन अलाउंस मुवज्जा मरात मंजूर शुदा वफाकी हुकूमत आपको दी जाएंगी। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें फर्दर सूबाई कोटा वाइज बात करें तो फ्रेंड्स इसमें मेरिट पे 7.5% सीट्स हैं। पंजाब बशमूल फेडरल एरिया इस्लामाबाद में 50% जो है वो सीट्स हैं। उसके अलावा सिंध शहरी की 7.6% है, सिंध दही की 11.4% है। इस तरह फ्रेंड्स खैबर पख्तूनख्वा की 11.5% है, बलोचिस्तान की 6% है। खैबर पख्तूनख्वा में नए शामिल होने वाले अजला साबका फाटा की 3% है, गिलगित बल्तिस्तान की 1% है, आजाद कश्मीर की 2% है, अकलीती कोटा 5% इसमें मुख्तस किया गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात की जाए सिपाही जनरल ड्यूटी में, जो कम से कम तालीमी में आ रहा फ्रेंड्स वो मिडिल पास आप होने चाहिए और ज्यादा तालीम वालों को इसमें तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात की जाए तो उम्र की हद जो है सिविलियन के लिए 18 से 30 साल रखी गई है और 10 अप्रैल 2022 तक कैलकुलेट की जाएगी। उम्र में गवर्नमेंट की तरफ से दी गई 5 साल की रियायत इसमें शामिल है। फाइनल सिलेक्शन में कम उम्र यानी 18 साल से और 22 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। यहाँ पे तालीमी मेयार की और उम्र की हद के साबका फौजी के लिए बात की जाए यहाँ पे तालीमी में या जो मरवज्जा क्वालिफिकेशन या इसके मसावी होगा जो उनका होता है। उसके अलावा उम्र जो है 10 अप्रैल 2022 तक मरवज्जा कवानीन के मुताबिक इनकी भी कैलकुलेट की जाएगी। उसके अलावा जिस्मानी मियार बराए सिविल उम्मीदवार के लिए बात की जाए फ्रेंड इसमें जो आपका कद है कम अज कम 5 फुट 6 इंच और ज्यादा कद वालों को फाइनल सिलेक्शन में तरजीह दी जाएगी। छाती जो है 33 इंच, मार्क 11/2 इंच फिलाव आपका होना चाहिए। वजन जो है 121 पाउंड, कम अज कम तिबी कानून के मुताबिक ज्यादा काबिल कबूल नहीं होगा। शहरियत आपकी पाकिस्तान होनी चाहिए। अप्लाई करने के तरीके की बात की जाए फ्रेंड इसमें ख्वाहिशमंद हजरात जो है रेंजर्स वेबसाइट www.pakistanrangerspunjab.com पर ऑनलाइन अपने आप को 7 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2022 तक रजिस्टर करवाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात कीजिए रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार अपने मुंतखिब करदा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर ऑनलाइन स्लिप पर दी गई तारीख को वक्त 8 बजे इब्तदाई तिबी मुआयना जिस्मानी और तहरीरी इम्तहान के लिए हाजिर होंगे। फ्रेंड्स इसमें इंतखाब की तरीकाकार की बात करें फ्रेंड्स आपने सबसे पहले ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो इब्तदाई तिबी मुआयना किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जिस्मानी में तहरीरी इम्तहान आपके लिए जाएंगे तफसीली, फिर तिबी मायने के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना था आप जिस सुबह से तलक रखते फ्रेंड इनमें से जो भी आपको पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर है फ्रेंड जो भी आपको नजदीक पता फ्रेंड वो आपने सेलेक्ट कर लेना और उस पर चले जाना है। फ्रेंड्स फर्दर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है और यहाँ पे बताया गया कि हतमी तौर पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवार को बुनियादी ट्रेनिंग पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी मंडी बहाउद्दीन में हासिल करना होगी। भर्ती सेंटर तशरीफ लाते वक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप हमरा लाजमी लाएं और मुतलका सेंटर्स में जमा करवाएं। उसके अलावा फ्रेंड्स ख्वाहिशमंद हजरात अगर दर्ज बाला मियार पर पूरे उतरते हों तो असल और फोटो स्टेट कागजात, 2 अदद फोटोग्राफ और उसके अलावा काबिलियत की दीगर अजाफी असनाद के हमरा 2 अदद डाक लिफाफे जिन पर उम्मीदवार का मुकम्मल घर का पता, फोन नंबर और असामी का नाम दर्ज हो। उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई तारीख के मुताबिक अपने मुंतखब करदा भर्ती सेंटर में बराए इंतखाब हाजिर हो। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात की जाए तो अगर किसी उम्मीदवार की तलीमी असनाद जैली बोगस पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फर्दर फ्रेंड्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो आपने रीड कर लेनी और उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे इनके फोन नंबर भी मेंशन है, यहाँ पे आप कॉल करके मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन जॉब्स को देखना कैसे है और इनमें अप्लाई किस तरह से करना है। फ्रेंड्स आपने गूगल पे आ जाना और यहाँ पे टाइप करना है subnetjobs.com। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से साइट ओपन होकर आ जाएगी। फ्रेंड्स आपने जो है नीचे स्क्रॉल ऑन कर लेना, फोर्स जॉब में आने के बाद पाक रेंजर्स पंजाब लेटेस्ट जॉब 2022 एडवर्टाइजमेंट आपने इस पे क्लिक कर लेना। फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से कम्प्लीट पोस्ट ओपन होकर आ जाएगी। फ्रेंड्स इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, फ्रेंड्स वहाँ से भी आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स इसमें दी गई है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपने अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आपके सामने पाकिस्तान रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन के आ जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने फॉर्म पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की आने वाली पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में सिपाही जनरल ड्यूटी की जॉब फ्रेंड्स, जिसमें मुल्क भर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों के एक अच्छा रोजगार अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।